गफूर आज हम क्या खिलाने वाले हैं फयाज को? क्या आज हम फयाज को खिलाएंगे सॉसेज, नई डिश है। ये सॉसेज क्या होता है यार, ये कौन सी बना है? ब्रेकफास्ट में अक्सर खाई जाती है अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जैसे यूके में। अच्छा चलो ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या चीज है। चले आप ये ट्राई करो फिर अपना फीडबैक दे, ठीक है? ठीक है। ये कौन सा चीज है यार, ये ऐसा लगता है कोई कीड़ा वगैरह दे दिया है क्या? यार ये एक बार तुम खाओगे तो दीवाने हो जाओगे, इतना मजे का यार, बहुत जबरदस्त। यार ये तो ऐसे लगता है कोई अनोखी चीज है, पता नहीं किस चीज से बनाई है, मुझे तो लगता है प्लास्टिक का है ये। यार मुझे तो इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, बस फटाफट जो है ना शुरू करें। उसमें तो बड़ा ही जायका है यार, ये तो कुछ जैसा मुझे लगता है कबाब की तरह, रबड़ की तरह ऐसे खींचना पड़ रहा है इसको। वैसे यार मैंने इस चैनल पे तो बहुत से मुल्कों के, मुख्तलिफ जगहों के मैंने बहुत से डिशें खाई हैं, बहुत से, लेकिन अमेरिका की जो है ना यार आइटम बड़े सबसे अलग है यार, बहुत ही मज़े के, बहुत ज़बरदस्त यार। मगर मैं तो इस चैनल पे नया हूँ, मगर मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है ये खाकर। यार मुझे तो इसमें ना काली मिर्च और नमक का जायका ज्यादा महसूस हो रहा है। अब ये पता नहीं चल रहा है इसमें चिकन का गोश है या कोई गाय का गोश है, क्योंकि ये बिल्कुल पिसा हुआ है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जिससे मैं कबाब खा रहा हूँ। वैसे आपने एक बार मुझे जो बन में डाल के दिया था ना, ये बन बना के जो हॉट डॉग, वो बड़ा मज़े का था यार, बहुत ही मज़े का आया था। यार मैं तो सुबह ना नाश्ते में चाय, बिस्कुट और मक्खन खाता हूँ, अगर ये मैं किसी के सामने सुबह सुबह खाऊँ ना गांव में, तो वो बोलेंगे वे यार ये तो कोई अमीर बंदा है, पता नहीं कौन सी चीज़ें खा रहे हैं सुबह नाश्ते में। वाह यार मज़ा आ रहा है। यार मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो कहता हूँ ना मुझे इस तरह के और मजीद कबाब खिलाओ ना। पहले तो सॉसेज का देते यार, मगर मैं तो कबाब ही उसको कहूँगा, क्योंकि इतना जायका अच्छा दे रहे और कबाब की तरह मुझे लग रहा है। वैसे यार मुझे तो ये खा के ना कोफ्ते याद आ गए यार। वैसे हम बकरा ईद में जो ना कुर्बानी का गोश्त जमवाते हैं ना, तो उसका हम लोग कोफ्ते बनाते हैं कीमा बना के। हाँ यार मगर बकरा ईद पे ही गोश्त मिलता है, आम दिनों में तो इतना महंगा है, हम कहाँ से खरीदेंगे गोश्त। वैसे यार फयाज आपको मज़ा आया नहीं आया खा के सॉसेज? यार मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और दूसरी बात ये सॉस के साथ खा करना और ही मज़ा आ रहा है मुझे तो। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे, इतना मज़ा आया। मैं तो यार वाकई दीवाना हो गया ना, क्योंकि और ये गोश्त से बना हुआ है साफ सुथरा, और मतलब के बड़ी अच्छी क्वालिटी है, गोश्त भी डला हुआ है इसमें अच्छा खासा, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया यार। मुझे तो ये खा के तो बड़ा मज़ा आया, यकीन मानो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया यार, मज़ा आ रहा है खा कर।